ये जो चमत्कारिक बरगद का पेड़ है ये माधोपट्टी गांव का है जी, वही माधोपट्टी गांव जिसे अफसरों का गांव कहते हैं। यूपी के जौनपुर जिले में माधोपट्टी गांव में हर घर में आईएएस आईपीएस हैं। इस चमत्कारिक बरगद के पेड़ को देखने और इस गांव को समझने के लिए हम लोग इलाहाबाद से निकले और जौनपुर के माधोपट्टी गाँव पहुँचे। मेरे साथ अजीत विक्रम सिंह उर्फ गुड्डू भाई भी थे जो मेरे बचपन के मित्र हैं। इस गांव में गुड्डू भाई के बहन के देवर की शादी थी, उसी शादी में शिरकत करने जौनपुर के डीएम और एसपी भी पहुंचे थे। हमने इस गांव के बाशिंदों से बात की और गांव की खासियत को जानने का प्रयास किया। यहां पे देखिए हर घर के आगे मोर है, माधोपट्टी गांव की खासियत है ये। और ये बरगद का पेड़, इसके नीचे ही बैठकर पढ़ाई करके बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस हुए हैं और इस बरगद की जड़ें माधोपट्टी के हर घर तक पहुंचती है। ये वही माधोपट्टी गांव का बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से लोग पढ़ लिख के जो है आईएएस आईपीएस बनते हैं। और इसकी जड़ें क्या बताएं, हर गांव में जो है, हर घर में जो है, हर घर में जो है, तो जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे इस वीडियो पे ही सलाम कर लें इस पेड़ को। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। मोहन आशीष सिंह है। आशीष सिंह जी जी, तो आप इस गांव का नाम बताइए, इस गांव क्यों फेमस है और क्या ये बता रहे थे आप पेड़ के बारे में जो है कुछ बताइए, मतलब हम दर्शन करने आए इस गांव का। हमारे गांव का नाम माधोपट्टी है जी, और ये वृक्ष जो है इसी के नीचे जो है जितने भी आईपीएस आईएएस हुए और हमारा गाँव आईएएस आईपीएस के लिए फेमस है, और इस वृक्ष के नीचे ही सभी लोगों का जो है मतलब अपना शिक्षा, स्कूल भी चलता था, प्राइमरी सबसे प्रथम यही पे स्कूल था। अच्छा, सबसे पहले यही जी यही था। और इसी के नीचे ये जो मकान दिख रहे हैं ना जी जी जी, ये तबका है जो गाय खड़ी है। हाँ, ये लगभग 100 साल पुराना मकान होगा। इसी के नीचे पहले आईपीएस थे, आईआरएस थे डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह। अच्छा, फिर जो थे आईएएस थे विनय सिंह, डॉक्टर छत्रसाल सिंह प्रमुख सचिव थे तमिलनाडु। हाँ, सभी भाई जो 6 भाई थे यहीं से ये थे और 6 भाई आईएएस थे उनके। 6 भाई आईएएस जी, 6 भाई आईएएस थे। अभी रहते हैं गांव में लोग? नहीं, अब तो आना जाना मतलब वो ये है। उनके घर में कोई रहता है कि नहीं? हाँ, ये सामने मकान नहीं है, डॉक्टर सजल सिंह का ये मकान है। ये मकान, ये अब कौन रहता है उनके जो है? उनके भतीजे नहीं, लड़के रहते हैं, उनके भतीजे होते हैं। तो कुल इस गांव की आबादी में मैंने कुल कितने अफसर हैं? लगभग ये 160 फुट घर है। 160? हाँ, 160 गाड़ी मतलब अगर बुक करेंगे तो 160 ही। अरे और जाते हैं कहाँ, बस ठाकुर ले रहे हैं। इधर आइए, ये बस यहाँ आइए। अरे आप हमको चाहिए ना थोड़ा। अरे आइए भाई, आइए। अरे बोल गंजी। अरे भाई गंजी से क्या मतलब जो है, दुनिया गंजी पहनी है ना। तो आप क्या बता रहे थे जो है, मतलब कितनी आबादी होगी यहाँ पे? आबादी यहाँ 700 कुछ है। अच्छा, अफसर कितने होंगे इसमें? अफसर टोटल मिला के 53-54 है। ये बेसिकली ठाकुरों का गांव है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सब सोलंकी ठाकुर हैं। अच्छा। और कोई अदर ठाकुर नहीं है, अदर ठाकुर, और न कोई अदर बिरादर है और न कोई नवासा यहाँ पे है। अभी भैया बता रहे थे कि जो है यहाँ कोई अगर बाहर से आईएएस आता है तो उसको लोग पानी वानी पिलाना जो है अपमान समझते हैं, ऐसा है क्या कुछ? हमारे देखिए भाई अतिथि देव, अभी देखिए हमारे सीनियर राष्ट्र नहीं, वो तो गांव घर का मामला है ना जो है। हम इलाहाबाद है, लेकिन देखिए आप किस शासन में थे? हम हालनाल में थे। अच्छा, किस सन में थे आप? अरे हम थे 2009-10 तक थे जी। जी, तो मैंने इस गांव के इस कहानी से जो है अगल बगल के गांव के लोगों को भी प्रेरणा मिलती होगी। मिलती है, बराबर मिलती है, बराबर लोग आते जाते हैं, बराबर जाते हैं। अभी ये लगभग शहर के दक्षिण में है 5 किलोमीटर, और शहर के दक्षिण में ये 14-12 गांव लोग का सुनवानों का गाय है, सोलंकी गांव का जाता है। अच्छा, मूलतः मतलब माने जाते हैं गुजरात से आए थे, तो यही बगल में गांव है नेवादा है, तो वहाँ मतलब हम लोग आके टिके, जो जो बताते हैं लोग, गुदना है, मारूपुर है, कुद्दूपुर है, नेवादा है, परियावा है जी, सब हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और हमारा एक सोलंकी सम्मेलन होता है हर जो है क्या कहते हैं होली, हर साल होली के बाद, तो उसमें जो भी समस्याएं रहती है सोलंकी बिरादरी की, जो भी गरीब हैं या नहीं हैं, तो भी आर्थिक रूप से हर चीज़ से मदद किया जाता है। तो अभी कोई नया इधर सिलेक्ट हुआ है, मतलब कुछ नए लोगों का कुछ? हाँ, लोअर पीसेस हुए हैं, लोअर पीसेस हुए अभी हुए हैं, और आईएएस इंटरव्यू पिछली बार दिए थे, अभी नहीं हुए हैं। सचिन सिंह अभी एसडीएम हुआ है, 7वीं रैंक पाया था। अच्छा, तो गांव में भी कोई कोचिंग सेंटर है क्या इस तरह का? नहीं, कोचिंग सेंटर नहीं है, मतलब जैसे जो भी सीनियर हॉस्टल के आते हैं, मतलब यहाँ से लड़के हैं, वो खुद मतलब करते हैं। तो भैया अजीत विक्रम सिंह जी, आप कुछ बताएं इस गांव के, क्योंकि आप हैं नहीं, आप तो गाजीपुर के दूसरे गांव के रहने वाले हैं, रिश्तेदार लेकिन आपके आपको क्या पता है इस गांव के बारे में जो है?
इस गांव में भाई बहुत सारे आईएएस पीसीएस तो हुए ही है, तो सामान्य बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सुनने में जैसा आता है कि गांव के बुजुर्ग यहां रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहने की अपेक्षा गांव में रहना वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और शाम को काफ़ी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनका समय बहुत अच्छा बीतता है, और यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा है। अभी जिस शादी में आप आए हैं वहाँ भी शायद कोई मैंने लड़का लड़की पक्ष में कोई है अफसर है जो है? हाँ, वो हमारी बहन है, अभी वो अपर जिलाधिकारी के पद पे है, उनकी शादी है? नहीं नहीं, उसके देवर की शादी, उसके देवर की शादी है, घर में भी डीआईजी भी थे। अच्छा,